हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूँ रावण और मैं आ गया हूँ आर्क में दोस्तों। सो बैक अगेन वही है। सो आज मैंने फाइनली अच्छा थाइलोकोलियो मैंने पकड़ लिया है आफ्टर लॉन्ग सर्च। तो मेरे भाई, मेरा दोस्त, ही इज़ द सेवियर मैन। अगर मैं फिर से आर्क कंटिन्यू कर रहा हूँ तो उसी के वजह से कर रहा हूँ। सो या तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने जब डिफ़िकल्टी बढ़ाया था तो डायनोस जो है वो रिफ़्रेश नहीं हुए थे। तो जब डायनोस रिफ़्रेश नहीं होते हैं तब वो डिफ़िकल्टी के भी स्पॉन नहीं होते हैं। तो या मैंने 100% डिफ़िकल्टी कर दिया है, लेकिन वो स्पॉन नहीं हो रहे थे वो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। तो मेरे को उसने एक कमांड बोला जो कि डायनोस पूरे रिफ़्रेश होते हैं वो कमांड से। तो वो कमांड मैंने डाला और यस, फाइनली मेरे को अच्छा लेवल का थाइलोकोलियो मिल गया है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे गोदी में एक चीबी है यप, और मेरा हेलमेट देख सकते हो यप। ओह शिट, ओके, मेरे को नीचे नहीं गिरना था। डिड माई हेल्थ गो डाउन? ओके, इट्स ओके। तो ये रहा चीबी कहने, और ये रहा मेरा हेलमेट यप। सो या ये देखिए दोस्तों, मेरा थाइलोकोलिया का यहाँ पे पूरा सेना है। सो इसमें से कुछ डिसअपॉइंटमेंट थे और थोड़े, तो मैंने क्या किया, पहले 207 के दो थाइलोकोलिया को पकड़ लिया। आई मीन 207 नहीं थे, 98 की 100 104 लेवल के थे एक, तो दूसरा शायद वो 100 या 112 लेवल का था। दोनों को मैंने 207 किया, उसके उससे पहले मैं जा नहीं रहा था तो उनसे मैंने ब्रीडिंग करवाया। तो दो आए थे, दोनों में से एक को मैंने ब्रीड की, ये पूरी तरह इम्प्रिंटेड तो नहीं है, देख सकते हो, और 80% रह गया। ट्राइड मैंने जैसे ही वो नीड टू बी करके जो आता है वो जैसे ही आया मैंने सब कुछ उसको दिया, फिर भी इसका मेच्योरेशन लेवल जो था वो परसेंटेज को ज़्यादा ही फास्ट हो रहा था। सो या वो और दूसरा ये आया था, यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा बहुत म्यूटेशन भी हुआ है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका हेल्थ और सब अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों का ही म्यूटेशन हुआ है। ब्लू नीचे अंडर है ब्लू और ऊपर है ब्राउन। सो या मैंने किनका किया था मेटिंग, एक तो था ये बंदा जो कि ब्लू है, यहाँ पे देख सकते हो बर्जरकर जो है इसका नाम, और दूसरा था बीरूस, तो जो कि यहाँ पे दो, एक ऑरेंज और एक ब्लू। सो दोनों का मिला के थोड़ा बहुत कलर म्यूटेशन और हेल्थ म्यूटेशन भी हुआ था। दोनों का ही हेल्थ 5000 था, तो जब तक मैंने 80% इम्प्रिंट में भी मेरे को या बहुत कुछ मिल गया था, और इसमें से बहुत कुछ मेरे को खाली करना पड़ेगा। सो या 80% इम्प्रिंट में से मेरे को मिला 5800 कुछ ऐसे हेल्थ, तो उसको मैंने बढ़ा के 10,000 कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट मिली डैमेज जो है 1500% कर दिया है। मूवमेंट स्पीड के ऊपर ध्यान देना चाहिए था लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया। सो ओके, दैट्स आउट ऑफ पोजिशन। तो मैं सिर्फ यही मेरा यहाँ पे कोशिश रहेगा ये केव में कि मैं मरूँ ना, तो मैं इसके ऊपर बैठ के अपना बंदूक निकाल के बीच बीच में शूट भी करता रहूँगा। अगर मेरे को लगा कुछ मेरी तरफ आ रहा है, कुछ डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं वो भी करूँगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो या तो अभी साइक है इसका नाम, बाय द वे यार साइक रखा है मैंने इसका नाम। सो या साइक को यहाँ से लेके जाना है। By the way, it's fast. Okay, I did not expect it to be fast. Okay. Fast hai bhai. Okay, so let me get down. Shit. Okay, Thailo ko leke jana padega. Chal. Chad bhai. Alright, to main pehla jo hai Hunter's Cave mein jaunga, jo ki mere purane wale... Oh! Neecha kai ko gir gaya re tu. Jo mere purane wale ghar ke paas hai, तो मैं वहाँ पे जाके मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से अभी ही, इन अ मोमेंट। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे केव में, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेड सब कुछ सेव करके रखा। आई रियली होप कि मैं इसमें एक बार भी ना मरूँ। एंड सो सेइंग दैट, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस गाइस।
पानी लाया मैंने, पानी लाया, फूड लाया, और रेड कुछ नहीं भूला। सो प्रॉबेबली इसमें थोड़ा, या मैन मेरे को पता नहीं यार, मैं पहली बार जा रहा हूँ केव के अंदर। मेरे को ये पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर होने वाले हैं जो मेरे को खाने में, खाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहेंगे, और बहुत ही डेंजरस जानवर है। या सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये क्या है, इज दैट अ डोडो इन हियर? Freaking kidding me, dude. Oh my god, no. अब ये क्या हो गया, अटक गया? Okay. अटको मत यार, मेरे पास क्रायोपॉड भी नहीं है अभी। Okay, this is the area. I hate this area. Here we are. Shit, डरा दिया यार। Shit is my city, guys. Dead. Die. Alright, he's dead. You are dead, boy. You are dead. Who is there? अगला कौन है? आजा। आ रहा हूँ मैं जिंदगी। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 697 जो है इसका डैमेज है, तो ऑलमोस्ट 700 आई गेस। Alright, I need to be careful. ऊपर से भी कुछ चीज़ें कूद रहे, तो let me be careful over here. So जैसे मैंने बोला है, ये पहली बार आ रहा हूँ एक केव में। I think this is the hunter's cave. I hear something. Really hope कि मैं ना मरूँ, इसलिए मैं थोड़े धीरे जा रहा हूँ। Oh, I see them. Oh shit, ये क्या था? इतना bright? I really don't want to die. Okay. Oh shit, Thylacolo is really a beast, man. Okay. ओके, व्हाट इज दिस ब्राइटनेस? इट्स अ डार्क, आई मीन इतना एकदम सा लाइट क्यों आ रहा है? ओके, दिस एरिया इज ओपन, तो राइट साइड से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है। मैं आगे जाता हूँ। गेट मारे लड़की, गेट मारे और लड़की, गेट मारे और लड़के। ओके, ऐसे देखा जाए तो एक नूब हूँ मैं, उसके हिसाब से ठीक ठाक ही खेल ले रहा हूँ। आजा गली में, मेरे गली में आजा। ओके, आई एम स्लो एज हेल राइट नाउ। मैं सीधा आर्टिफैक्ट के तरफ ही जा रहा हूँ। आई गेस आई कांट गो फ्रॉम हियर। क्या मैं उतर के जा सकता हूँ? Really hope, मैं अपना बंदूक निकालता हूँ। Anybody here, boy? हाँ? Okay, I see no freaking one. Okay, तो मैं एक काम करूँगा, ये पांच तीन बार मैं इसको कलेक्ट कर लूँगा, ताकि यू नो बाद में मेरे को ये ना हो। मेरा आर्मर एक गया भी। ओके, तो ये यहीं पे स्पॉन होगा, राइट? सो ये फिर से स्पॉन होने तक मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो जैसे जैसे स्पॉन होगा, मैं ऐसे ही इसको तीन बार कलेक्ट कर लूँगा। ओनली वन ऑफ दिस मे बी कैरिड एट अ टाइम बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओ आई गेस मैं एक ही ले सकता हूँ अभी के लिए। ओके, तो ठीक है, फिर आ जाऊँगा, डो नॉट वरी। और हिज इन्वेंट्री इज फुल एज हेल, तो थोड़े बहुत चीज़ें निकाल देता हूँ। और राइट थाइलोकोल, यू माई बीस्ट मैन, माई बीस्ट। और मेरा चीबी भी है मेरे साथ। सो या बाय द वे, मेरे को बहुत सारे चीबीज मिले थे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव नाउ। मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारा मेटल, आयरन, ऑब्सीडियन है, लेकिन मेरा जो घर है वहाँ पे भी है भाई बहुत सारा ऑब्सीडियन और बाकी के चीज़ें।
जाते हो। ओके, तो लेट मी नो कि यहाँ पे कुछ और लूट था क्या जो मैंने मिस कर लिया है। सो या फॉर नाउ आई एम जस्ट लीविंग। सो मेरे को अभी के लिए तो दूसरे केव्स के लोकेशन मेरे को पता नहीं है, बट आई विल ट्राई। अभी मैं थोड़ा बहुत सर्चिंग करूँगा, अगर मेरे को केव मिल गया तो ठीक है भाई, नहीं तो आज के एपिसोड में सिर्फ एक ही केव होगा शायद। वेल दैट वॉज फास्ट यार, आई गेस मैं फालतू में इसको इतना सब कुछ ट्रेनिंग वेनिंग करके ईट करके आया था यहाँ पे। वहां से चढ़ नहीं रहा है तो यहीं से चढ़वा देता हूँ। ऑलराइट चढ़ गया। ओके, मामा बोलेगी तो कल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु बोलेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। भाई क्या कर रहा है भाई, चढ़ भी जा। ओके, मल्लू मलयालम बोलेगी तो मल्लू बन जाऊंगा। ऑलराइट वी आर बैक आउटसाइड। तो यह केव है तो अंदर जाते समय और बाहर आते समय दोनों ही लोड होता है। सो यप, देयर यू गो, वी आर आउट। ओके, लेट मी गेट बैक टू मेरा पुराना घर पे जाता हूँ मैं। ओके, दैट वाज वे इजियर देन आई थॉट मैन, वे फ्रिकिंग इजियर। बाय द वे ये हंटर्स का ही था ना, आर्टिफैक्ट ऑफ द हंटर। यप, पूप मारे थाइलो कोलियो, पूप मारे। हाँ अच्छा अच्छा, मेरे को तो मारेगा। हाँ मेरे को मारेगा। ओ लेवल 72 का था यार, वैसे भी वो 72 का लेवल था, फिर भी कितना 7 डैमेज कर रहा था। व्हाट द हेक, ओ वाडा बॉय वाडा बॉय वाडा बॉय वाडा बॉय, यू आर डेड बॉय बॉय, नो वन कैन मेस विथ मी ऑन माय थाइलो कोलियो। I guess I'm out way. Okay, तो कुछ ज़्यादा ही डार्क है तो ये बाहर निकलने के बाद देखता हूँ। एंड ईट, ओके ओके, दिस इज ओके। ओके तो दोस्तों, तो लेट मी गो अहेड। बाय द वे यहाँ पे मेरे डायनो जिंदा है कि भी नहीं मेरे को देखना है। या बाय द वे मेरे को एक लोकेशन मिला है, लेट मी शो यू दैट लोकेशन। मेरे घर के पास है, मेरा घर इन द सेंस मेरा नॉर्थ साइड में जो घर है वहाँ पे है। लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू। तो इसको अबे चढ़ भी जाए। ओके आई गेस ये डायनो गेट्स नहीं चढ़ता है। ओके नेवर माइंड, मैंने फिर भी जंप कर लिया। ओके तो यहाँ पे मेरे सारे ही डायनो जिंदा है, हैप्पी टू नो अबाउट दैट। ओके माई थाइलो कोलियो इज इनफ मैन, मेरे को भाई आई लव यू मैन, आई लव यू मैन, कम ऑन, व्हाट यू हैक राइट। ओके तो मैं इसको उठाता हूँ और या निकलता हूँ मैं अपने घर के पास। ऑलराइट, आई विल मीट यू गाइस इन अ मोमेंट। थोड़ा हैवी हो गया है तो मेरे को थोड़ा बहुत खाना वाना भी कम करना पड़ेगा। सो या, सो आई विल मीट यू गाइस इन अ मोमेंट। मैं वो लोकेशन जो बोल रहा था उसके बारे में आपको अभी दिखाऊंगा जैसे मैं अपने घर के पास जाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे वापस। तो वो लोकेशन जिसके बारे में बात कर रहा था, बट आई हैव ड्रॉप्ड माय थाइलो कोलियो एंड सॉरी अबाउट द ब्राइटनेस, मतलब ये गेम ही ऐसा है, सो वी कांट डू एनीथिंग फॉर नाउ। ऑलराइट, तो वो जो लोकेशन में बोल रहा था वो इस तरफ है। तो या ये लोकेशन पे एक चीज़ है, सीक्रेट एरिया है, आई डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड दैट एरिया। तो मैं वो एरिया आप लोग को दिखाने वाला हूँ, आप लोग को बताना है मेरे को कि वो एरिया के पीछे क्या है। तो मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ, तो इसी तरफ है, बहुत दूर नहीं है, तो थोड़ा मेरा स्पीड थोड़ा कम है उसके वजह से जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ। सो या ये जो आगे एक माउंटेन की तरह आप लोग को दिख रहा है वही एरिया है। सो या थाइलो कोयले के ऊपर रहने से भी मेरा आर्मर डैमेज हुआ, इसका मतलब ये है कि आई हैव टू बी केयरफुल, मेरे को ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि कांड से। तो ये है फुल गामा, आई मीन फुल गामा तो नहीं है,
ओके द स्टैमिना इज रीगेन्ड. ऑलराइट तो जाता हूँ. काश अर्जेंट आविस का जो स्पीड है वो बढ़ा पाते तो अच्छा होता है यार, क्योंकि टाइम लग जाता है एरियाज जाने में. सो या नेक्स्ट पार्ट में कौन सा, आई मीन कौन सा आर्टिफैक्ट है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज मैंने सिर्फ एक ही आर्टिफैक्ट यहाँ पे लिया है. सो नेक्स्ट एपिसोड में, ओह शिट, एक पेड़ गायब हो गया. आई गेस कुछ डायनो ने अटैक किया होगा. सो या नेक्स्ट एपिसोड में अगर पर से मेरे को आर्टिफैक्ट्स का लोकेशन मेरे को पता चल गया, सो क्या मैं दो आर्टिफैक्ट्स एक ही एपिसोड में जाके लूँ, क्योंकि ये पहली अटेम्प्ट में ये कर रहा हूँ मैं, आई मीन पहली बार है मेरे चैनल में. तो या एंड हाँ, रियली सॉरी कि मैंने पहले वाले लोकेशन का जो मैप है वो नहीं दिखाया, बट मेरा, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे मेरा घर है, तो वहीं पे है वो लोकेशन. आप लोग को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, सेम आइलैंड के ऊपर ही रहेगा आपका लोकेशन. तो थोड़ा बहुत मेरे को रिचार्ज करना है अपना बैटरी को भी में मूवमेंट. तो हाँ, तो नेक्स्ट एपिसोड में दो आर्टिफैक्ट्स एक साथ ले लूँगा. तो उसके अगले एपिसोड में मेरे को रेक्स और डोइड्रोन दोनों को एक साथ ही टेम करना पड़ेगा. अब रेक्स मेरे घर के पास स्पॉन होते हैं. एक बार 85 लेवल का स्पॉन हुआ था, मैंने लेवल बिना देखे उसको मार डाला. वैसे भी बिना वीडियो रिकॉर्ड किए मैं अगर उसको पकड़ लेता तो तुम लोग को मज़ा नहीं आता. तो एक ही एपिसोड में रेक्स, डोइड्रोन और दूसरा कुछ है राइट, वो उसको भी पकड़ना जो अटैक बूस्ट करता है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लावा है एंड देर शुड बी अ लोकेशन ओवर हियर. या आई एम ओवरवेलमिंग, ओवर हीटिंग, आई नो आई नो, आई एम ओवर हीटिंग. ओके ये है लोकेशन, लेट मी गेट डाउन. ओके तो ये लोकेशन देखने से तो पता नहीं चल रहा किसका क्या है. सो तो इसका एक्सेस टर्मिनल करने से, लुक एट दिस, गामा ब्रूड मदर का ट्रॉफी चाहिए, गामा मेगा मेगा पिथिकस का ट्रॉफी चाहिए और गामा ड्रैगन का ट्रॉफी चाहिए. ड्रैगन, वाओ, देयर इज अ ड्रैगन इन हियर. ओके वो पता रहे था. मिन सर्वाइवर लेवल रिक्वायरमेंट. ओके एक्सेस द टेक केव विद दिस टेक केव. ओके तो इसके बारे में किसी को पता है तो प्लीज स्पॉयलर्स मत देना, बट मेरे को बस यही जानना है कि क्या उसमें बॉस रहता है कि सिर्फ टेक के संबंधित कुछ चीजें रहते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों. एंड या आज के एपिसोड में यहीं पे एंड करता हूँ. इफ यू नो दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल दोस्तों. आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी. सो या दैट वॉज फन. थाइलो कोलियो वॉज बीस्ट, मतलब 700 डैमेज ही कर रहा था. मैंने देखा है 1000 2000 डैमेज करते हुए भी दूसरों के वीडियोस में. सो या दैट वाज ऑसम, द एपिसोड वाज ऑसम. बहुत ही आसान था. सो अब मेरे को थोड़ा बहुत अभी यू नो कॉन्फिडेंस आ गया कि बाकी के भी मैं ले सकता हूँ. सो या नेक्स्ट एपिसोड में क्या मैं दो आर्टिफैक्ट्स लूँ. एंड या ड्रॉप ए लाइक, लेट्स गो फॉर 100 लाइक्स दिस टाइम फॉर नेक्स्ट एपिसोड, आर्टिफैक्ट एपिसोड. और उसके बाद मैं जाऊंगा अपने रेक्स और बाकी जो भी अल्फास को हराने में, आई मीन बॉसेस को हराने में काम आएंगे, उनको टेम करने में. सो या गाइस, रावण लॉगिंग आउट. पीस. एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल. एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग यू आर डूइंग इट रॉन्ग. एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट स्टेइंग एट होम यू आर ऑल्सो डूइंग इट रॉन्ग. ओके बी सेफ, अपने परिवार वालों को भी सेफ रखोगे अगर तुम लोग घर में रह रहे हो. सो या पीस.